क्या आप किचन में, बाथरूम में, दफ्तर में, पार्क में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ देश की राजनीति के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो आई एम सॉरी, लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। अरे व्हाट नॉनसेंस। हेलो एंड वेलकम टू व्हाट नॉनसेंस, वो शो जहाँ हम कुछ बेवजह की बेफालतू की बातें करते हैं, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम उस लेवल का नॉनसेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो हमारे आसपास आजकल पॉलिटिक्स के सौजन्य से हो रहा है। देश के गद्दारों को 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। अब जब इतनी सनसनीखेज बयानबाजी होगी तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो आएगा ही, ऊपर से इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसने हमें पॉलिटिकल एनालिस्ट बना दिया है जो हमें सही और गलत के बीच फर्क नहीं बताता, वो ये बताता है कि हम जो सोच रहे हैं बॉस वही सही है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। इंटरनेट ने हमको यकीन दिला दिया है कि हम तो गलत सोच ही नहीं सकते, और कैसे सोचें, हमारे पास सबूत है, वीडियो है, किसने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, सब कुछ तो है हमारे पास, तो हमारे समझने में गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या सब कुछ इतना सिंपल है? काश कि होता इतना सिंपल। आलम यह है कि हमें अपने आसपास के लोगों से ज्यादा इंटरनेट पर भरोसा है, क्योंकि इंटरनेट तो कभी गलत बोल ही नहीं सकता। हमारी ये जो जरूरत से ज्यादा निर्भरता है इंटरनेट पर, उसे मैथमेटिशियन शॉन एलन पॉलिस ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। इसे ऐसे समझिए कि आप जब सब्जी मंडी में जाते हैं तो ठेले पर अपनी पसंद के आलू, टमाटर, प्याज खरीदते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो टोकरी में डालते हैं, जो नहीं पसंद आता उसे हटा देते हैं। इंटरनेट भी ऐसी ही एक मंडी है, या कहें होलसेल मंडी है, जहाँ हर तरह की विचारधारा के हिसाब से इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आपको बस ढूंढना आना चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की लाइन लग जाएगी जो आपकी सोच, आपके पक्ष, आपकी विचारधारा पे ठप्पा लगाए। हमें और क्या चाहिए? अंग्रेजी में इसे ही तो कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। क्या कहते हैं? कन्फर्मेशन बायस, जो हमारी राजनीति की समझ में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको कोई नेता बिल्कुल नहीं पसंद है, फूटी आंख नहीं भाता आपको, उसके खिलाफ अगर कोई आर्टिकल लिखा जाएगा तो आप उसे सत्य मान लेंगे, बस वही सत्य है और कुछ नहीं। वहीं अगर आपको कोई नेता बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो उसके खिलाफ लिखा कोई आर्टिकल, कोई बात आप सहन नहीं कर पाएंगे। हम अपने अपने पॉलिटिकल बबल, सोशल बबल में बैठे हुए हैं और हम उससे निकलना ही नहीं चाहते। हम उन्हें ही सुनना चाहते हैं जो हमारी तरह सोचे, और किसी तरह के काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बॉस जगह ही नहीं है हमारी जिंदगी में। आलम यह है कि लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा की वजह से बचपन की दोस्तियां तोड़ रहे हैं, फेसबुक पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में राजनीतिक मतभेद की वजह से जो मनभेद क्रिएट हो रहे हैं ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शायद इसीलिए पॉलिटिकल फिलोसफर रॉबर्ट टैलिस ने अपनी किताब ओवरडूइंग डेमोक्रेसी में लिखा है कि पॉलिटिक्स को ना ज़्यादा अपने सिर पर मत बिठाइए। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर कम्युनल फैब्रिक, भाईचारा बनाए रखना है ना, तो फेसबुक पर एक्टिविज्म छोड़िए, थोड़ा बाहर निकलिए, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कीजिए जो आपको आपसे मिलवाए, दूसरों से जोड़े, और ये काम कोई भी कर सकता है, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं। अरे और भी गम है दुनिया में, समझ ही गए होंगे आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको इस नॉनसेंस में थोड़ा भी सेंस नजर आया तो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनसे आप राजनीति की वजह से लड़ लिए थे। और हाँ, जी न्यूज का फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज लाइक और सब्सक्राइब करना तो आपका कर्तव्य है ही। तो विचारधारा कोई भी हो, व्हाट नॉनसेंस देखते रहिए। अरे व्हाट नॉनसेंस।